हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार्टअप। तो इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के टायर 2 के बारे में बात करेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। और प्रीवियस वीडियो में हमने आपको पहले ही बताया था कि टायर 2 में टोटल मार्क्स होते हैं 50 और आपको टाइम दिए जाते हैं 30 मिनट्स। और या तो आपको एक एसे लिखना होगा या तो आपको लेटर लिखना होगा, इन दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एसे के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से एसे पूछे गए थे और इस बार के लिए इम्पोर्टेंट एसे की टॉपिक्स क्या होगी और एक अच्छे एसे कैसे लिखना है। ओके, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर पे कौन कौन से एसे पूछे गए थे। देखिए, प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे टेलीविजन, दीपावली, बुक फेयर, सेंसस 2011, योर फर्स्ट ट्रेन जर्नी एंड माई फेवरेट गेम। आप देख सकते हैं कि बहुत आसान से टॉपिक्स पूछे गए थे। हो सकता है इस बार ऐसा ना हो। और पहले 5 या 6 टॉपिक्स दिए जाते थे एसे के ऊपर एंड लेटर के ऊपर। हो सकता है इस बार सिर्फ आपको एक ही एसे दी जाए और एक ही लेटर दी जाए, यानी इन दोनों में से आपको एक लिखना होगा। ओके, इसलिए आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है। अभी बात करते हैं कि इस बार के लिए इम्पोर्टेंट एसे टॉपिक्स क्या होगी। सबसे पहले देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स। केंद्रीय सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाए गए सारे योजनाएं, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ही सारे। और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं एसएससी के सारे एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चंस इन स्कीम्स में से आते ही है। सेकंड देखिए डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, जो 2016 में हुआ था। नेक्स्ट जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इकोनॉमी, भीम ऐप एंड यूपीआई। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और आप बहुत सारे होंगे जो भीम ऐप एंड यूपीआई यूज करते होंगे। नेक्स्ट देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, उड़ान स्कीम, इसरो के बारे में यानी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन इंडिया। और लास्ट में देखिए स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है। ओके, अभी देखिए एवरग्रीन टॉपिक्स, यानी कि कुछ टॉपिक्स है जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टेररिज्म, रोल ऑफ मीडिया, चाइल्ड लेबर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि RTI, पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, साइंस ए ब्लेसिंग और ए कर्स, वुमेन एम्पावरमेंट, करप्शन एंड रिजर्वेशन इन इंडिया। ओके, अभी बात करते हैं कि आप एक अच्छे एसे कैसे लिखेंगे। देखिए एमटीएस के टायर 2 में आपको शॉर्ट एसे लिखना है, जिसका वर्ड लिमिट है 250 प्लस माइनस 10%। और 250 वर्ड्स के अंदर जो सबसे बेस्ट फॉर्मेट होगा वो होगा 5 पैराग्राफ एसे। ओके, यानी आपके एसे में टोटल 5 पैराग्राफ होंगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। सबसे ऊपर जो आपका होगा वो होगा आपका टाइटल। ओके, उसके बाद होगा इंट्रोडक्शन। इस सेक्शन में आप आपका मेन स्टेटमेंट बताएंगे, यानी कि आपके जो पूरे एसे है उसका जो मेन आउटलाइन होगा वो इंट्रोडक्शन में रहेगा। उसके बाद होगा फास्ट सपोर्टिंग पैराग्राफ, यानी कि ये आपके इंट्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा। उसके बाद होगा सेकेंड सपोर्टिंग पैराग्राफ, ये भी आपके इंट्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा। और नेक्स्ट पे होगा थर्ड सपोर्टिंग पैराग्राफ, ये भी आपके इंट्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा। और फिफ्थ पैराग्राफ में यानी कि लास्ट में आपका होगा कंक्लूशन। इस पार्ट में आप ये बताएंगे कि आपने जो इंट्रोडक्शन दिया और जो सपोर्टिंग सेंटेंस है वो सारे सच है, और ये आपके एसे का समाप्ति है। ओके, तो अभी आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पे हम ऐसे ही लेटर के बारे में बात करेंगे। सो ओके, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।